हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर अराउंड अस, और उसके अंदर हम लोगों ने मैटर देख लिया, हम स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया, साथ में मैटर्स को एक फॉर्म से चेंज करने में, दूसरे स्टेट में चेंज करने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख ली थी। पिछले क्लास में मैंने लास्ट में जाते जाते आपको कहा था कि डिफरेंस पढ़ाना है। डिफरेंस किसके किसके बीच में, गैस में और वेपर में क्या अंतर है वो पढ़ना है, और साथ ही वेपराइजेशन इवेपोरेशन में अंतर पढ़ना है, और साथ में एक और पॉइंट था बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको थोड़ा डिफाइन करके पढ़ाना था। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। इस समय में हम देखेंगे कि इन सभी चीज़ों के प्रोसेस के बारे में समझेंगे, और साथ ही इससे जुड़े जितने भी बातें हैं वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में ज़रूर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो, बाद में लाइक करना भूल जाते हो, पूरे वीडियोस देखने के बाद आप निकल लेते हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, तो हमें कम से कम ये मोटिवेशन मिलती है कि कितने लोगों को हमारी चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं, तो उससे हमें और काम करने की जो प्रेरणा है वो मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम कि क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, खास करके जो क्लास 9th-10th वाले बच्चे होते हैं, ये यहाँ पर जाके ज़रूर फंसते हैं। उनको प्रॉब्लम ये आती है कि भाई गैस भी वेपर है और वेपर भी वेपर है, तो अब दोनों में अंतर क्या हो गया। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस और वेपर, तो वहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली पॉइंट में बताऊंगी आपको, जिससे पूरी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस और वेपर के बारे में। तो बेसिकली समझते हैं गैस क्या है। अब हमें कुछ उदाहरण दीजिए जो गैस है, जैसे रूम टेम्परेचर पर गैस किसको गैस बोलेंगे हम अभी, है ना। O2 एक गैस है, ऑक्सीजन जो हम गैस के रूप में ले रहे हैं बॉडी के अंदर। N2 यानी नाइट्रोजन, वो भी एक गैस है। CO2 ये भी एक गैस है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम बेसिकली हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें क्या हम ऑक्सीजन को वेपर बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे ये समझना है। अब आप उदाहरण से लेके चलो कि इनको हम गैस बोल रहे हैं लेकिन इसको वेपर नहीं बोल रहे, रीजन क्या है। एक चीज वेपर किसको बोलते हैं, अगर नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम वाटर को बोलेंगे, वाटर जो है अब वो वेपर अवस्था में बदल गया, तो हम उसको वाटर वेपर बोल सकते हैं, है ना, वाटर वेपर हो गया। या फिर किसी भी चीज का कोई भी ठोस पदार्थ, अब देखिए कि दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर पे, कहाँ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई जो अगर कोई मैटर जो है रूम टेम्परेचर पे किसी मैटर का अगर ये मतलब गैस के रूप में रहता है, समझ में आया, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई फाइनली मतलब हमेशा रूम टेम्परेचर पे कोई मैटर अगर गैस के रूप में रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, किसी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से कम हो, कम होगा तब रूम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएगा, है ना। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अगर ये कम होगा, यानी कि कम होगा इस तरह से हम दिखा रहे हैं, है ना, तब क्या होगा कि ये जो मैटर है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, गैस बन के उड़ जाएगा। तो वो कोई भी मैटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे कम हो, रूम टेम्परेचर से कम हो, फिर से एक बार से समझिए इसको, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी मैटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट। रूम टेम्परेचर से कम हो, रूम टेम्परेचर यानी कि हमारा जो जनरल रूम टेम्परेचर होता है वो, ठीक है, इससे क्या हो, कम हो, यानी कि रूम टेम्परेचर ज्यादा हो और बॉइलिंग पॉइंट कम हो किसी भी मैटर का, तब वैसे जितने भी मैटर होंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, गैस कहलाएंगे। समझ में आया? रूम टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है तो वो मैटर क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। क्लियर? क्योंकि क्या होगा कि जब रूम टेम्परेचर से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कम होने के कारण क्या होगा, वो मतलब पिघलने से पहले ही वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, है ना। तो गैसीय अवस्था में वो रूम टेम्परेचर पे वो गैसीय अवस्था में बदल जा रहा है, इसीलिए इसको फाइनली हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा गैसीय रूप में ही हमको देखने के लिए मिलता है। अब वेपर क्या है, वाटर को वेपर कहा गया, वाटर वेपर को, है ना, क्यों कहा गया भाई इसको वेपर, इसको गैस काहे नहीं बोल दिए, कि अगर तसली में हम खाना बना रहे हैं वहां से अगर वाटर वेपर निकल रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये गैस उड़ रहा है, नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, वेपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसी रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, उसी रूम टेम्परेचर पे जिस पे बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होने के कारण ये उड़ जा रहा था, गैसीय फॉर्म में बदल जा रहा था। लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर क्या हो रहा है कि उस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रह रहा है, और इसको गैसीय रूप में बदलने के लिए मोर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। समझ में आया, दोनों के बीच में अंतर समझ में आ रहा है। वेपर को गैसियस फॉर्म में आने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी कंज्यूम करना होगा, है ना। वाटर को अगर हम हीट करेंगे तब क्या होगा, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को हमको कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को हमको कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि बेटा तुम ऑक्सीजन बनो, ऑक्सीजन बनो, ऐसा नहीं करना होता है, है ना। लेकिन वाटर को अगर वेपर बनाना है, वाटर को अगर गैसियस फॉर्म में लाना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही पानी को रख देंगे गैसेस फॉर्म में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। उसके लिए क्या चाहिए, इसको हमको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से लेटेंट हीट लेके आके उसमें से फिर वो हीट निकलेगा, तब जाके ये वेपर के रूप में चेंज होगा। तो वो कोई भी चीज़ जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है वो गैस कहलाते हैं, और वैसे मैटर जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और उसको गैसियस अवस्था में आने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो क्या कहलाएगा, वेपर कहलाएगा। समझ में आया, कोई सॉलिड या लिक्विड, सिंपल सी बात समझना है कि वेपर सॉलिड या फिर लिक्विड, अगर मतलब बदल के और वेपर में बदल रहा है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो है वो गैसियस रूप में चेंज हो रहा है तब वो कहलाएगा वेपर। समझ में आया, सॉलिड या लिक्विड कोई एनर्जी को कंज्यूम करके अगर गैसियस रूप में चेंज हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा, वेपर कहलाएगा। लेकिन जिस मैटर को गैसियस फॉर्म में रहने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है वो गैस कहलाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर वेपर और ऑक्सीजन दोनों में गैस कौन है, क्या बताओगे आप, ऑक्सीजन जो है वो गैस है और वाटर वेपर क्या है, वेपर है। क्लियर? अब अगर पूछा जाए कि एलपीजी और वाटर वेपर में दोनों में कौन गैस है, कौन वेपर है, तब वहां पे क्या होगा, एलपीजी, एलपीजी को जैसे ही आप खोलते हो बेटे तुमको उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है कि तुम गर्म हो के उड़ो, ऐसा नहीं है, तुम जैसे ही उसको थोड़ा सा भी लिंकेज होगा वो क्या करता है, गैसेस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तुम उसको प्रेशराइज करके रखते हो तब वो टंकी में बंद है, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर लो करते हो आप, वो आराम से निकलना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसको अलग से हीट लेने की जरूरत नहीं है। तो एलपीजी क्या हो गया, गैस हो गया, सीएनजी क्या हो गया, गैस हो गया। लेकिन अगर पेट्रोल को अगर हम
धूप में, देखते हो आप, कहा जाता है कि गाड़ी को कभी भी धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए, क्यों? पेट्रोल जो है वो वैपर बन के उड़ जाता है ना? तो वहां पे पेट्रोल का वो वैपर है, क्यों? क्योंकि सनलाइट से वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जब वो गर्म हो रहा है तब हॉट होने के बाद वो उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर जो पेट्रोल से जो निकलेगा वो क्या होगा? वैपर होगा, गैस नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक आपको गैस और वेपर के अंदर काफी अच्छे से डिफरेंशिएशन जो है समझ में आ गया होगा। अब कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि व्हाट इज गैस और व्हाट इज वेपर। वेपर क्या है? किसी भी सॉलिड या लिक्विड को हीट देने पे जब वो वेपराइज होके गैसीय अवस्था में आता है तब उसको हम वेपर कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है, दैट वन इज गैस ही कहेंगे। अब हम चलते हैं वेपोराइजेशन और ई वेपोरेशन में क्या अंतर है वो देखते हैं। करने वाले हैं हम वेपोराइजेशन और ई वेपोरेशन की। हिंदी में बात करें तो दोनों का मतलब वाष्पीकरण ही होता है, लेकिन अगर बात करें इंग्लिश के अंदर तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, वेपोराइजेशन ई वेपोरेशन। बच्चे अक्सर जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं कंफ्यूज करते हैं, भाई वेपोराइजेशन क्या है, ई वेपोरेशन क्या है, कहाँ पे हम वेपोराइजेशन यूज करेंगे, कहाँ पे ई वेपोरेशन यूज करेंगे, तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। तो इसलिए मैंने इस टर्म को समझाना जरूरी समझा है। तो देखिए वेपोराइजेशन क्या है, ये भी है वाटर का वेपर में बदलना, समझ में आया? इसमें भी वाटर जो है वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ई वेपोरेशन के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, उसमें भी वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में ही चेंज होता है। अब भाई दोनों सेम है तो फिर अलग अलग कैसे हो गया, है कि नहीं? समझने वाली बात है कि भाई दोनों सेम है, ये इसमें भी वाटर से वाटर वेपर में बदल रहा है, इसमें भी वाटर से वाटर वेपर में बदल रहा है, तो दोनों में अगर वाष्पीकरण की ही क्रिया हो रही है तो दोनों अलग अलग टर्म कैसे? अब देखिए ये जो वेपोराइजेशन होगा वो निश्चित टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, ये जो होगा वो एक खास टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर जो इसका होता है वो निश्चित होगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जैसे खाना बनाते हो, पानी गर्म करते हो, तो पानी गर्म करने के बाद एक खास हीट जब होती है तब वहां से पानी उड़ना स्टार्ट होता है ना? तो वो एक खास टेम्परेचर पे उड़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन भाई क्या आप कपड़ा पसारते हो तो वहां जाके आप क्या उसमें हीट लगाने जाते हो? कपड़ा आप सुखाते हो, अक्सर हम कपड़े धोते हैं उसको डाल देते हैं, तो डालने के बाद क्या करते हैं उसमें हम? क्या गैस जलाने जाते हैं वहां पे, हीटर लगाने जाते हैं? नहीं। तो फिर वो पानी कैसे वेपराइज हो जाता है भाई? उसके लिए तो निश्चित टेम्परेचर चाहिए होना चाहिए था ना? घर में पोछा लगाते हैं तो भी वो पानी उड़ जाता है। पानी जो होता है नीचे पोछा लगाते समय, थोड़ा सा पंखा चला देते हो उसके बाद पानी नजर आता है? नहीं। कहाँ चला जाता है ये पानी? वहां पे तो हमने हीटर नहीं लगाया, वहां पर तो हमने कोई 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया उस वाटर को, है ना? तो वो जो प्रोसेस हो रही है ये इवेपोरेशन, किसी भी टेम्परेचर पे, जनरल किसी भी टेम्परेचर पे, एनी हाउ टेम्परेचर, अगर किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर है ना, किसी भी टेम्परेचर पे अगर ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वाटर से वाटर वेपर बनने की क्रिया हो रही है, तब वो कहलाएगा इवेपोरेशन। क्लियर? किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत बनेगा, कभी 10 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, 12 डिग्री है थोड़ा और ज्यादा बनेगा, 20 डिग्री है थोड़ा और ज्यादा बनेगा, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में चेंज हो रहा है ना, तो वो कहलाएगा इवेपोरेशन। अगर एक निश्चित टेम्परेचर पे, स्टैटिक टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको, है ना, इसको कांस्टेंट पढ़ते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम वेपोराइजेशन की क्रिया कर रहे हैं, यानी कि आपको बताया था मैंने कि वाटर का जो वेपोराइजेशन का जो होता है वो डिग्री सेल्सियस, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो वाष्प बदल जाता है ना? लेकिन जब हम कपड़ा सुखा रहे होते हैं तो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है, एटीएम जो होता है, वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। पोछा लगाते समय जो पोछा का पानी है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस हम नहीं देते, लेकिन फिर भी वो पानी सूख जा रहा है। जो बादल बनते हैं, जो वेपराइजेशन की क्रिया, इवेपोरेशन की क्रिया होती है,
जो हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल के अंदर जब वाटर बॉडीज के अंदर से जो पानी गर्म होके उठता है तो वहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है, विदाउट 100 डिग्री सेल्सियस आने के पहले ही जो वाटर जो है वाटर वेपरेशन वाटर वेपर के अंदर बदल रहा है तो वो इवेपरेशन कहलाएगा। और अगर यही क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, यानी हम खाना बना रहे हैं और तब वाटर वेपर बदल रहा है, या फिर किसी पानी को सुखाने के लिए जैसे आप शीरा बनाते हो, चीनी का शीरा बनाते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो आप, चीनी और पानी को पहले घोलते हो, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें से पानी को हम सुखाते हैं। कब सुखाते हैं, कैसे सुखाते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे नहीं कि हम पानी चीनी को घोल के और छोड़ देंगे धूप में, हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए उस पानी को सुखाने के लिए। तो वो जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जब हम वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अगर एनी टेम्परेचर पे हम कभी भी जैसे भी मन हुआ किसी भी टेम्परेचर पे अगर ये वाटर वाटर से वाटर वेपर बनने की क्रिया हो रही है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब देखिए, बात करें अगर बॉइलिंग की, बात करें अगर बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। किस तरह का? बल्क फेनोमेनन, सॉरी, फेनोमेनन। बल्क फेनोमेनन क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल, जो भी मैटर है हमारा, वो मैटर जो है उसका हर एक मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस में भाग लेता है। ठीक है, बॉइलिंग के प्रोसेस में हर एक मॉलिक्यूल भाग लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बल्क फेनोमेनन। और ये बॉइलिंग के लिए भी अगर हम बात करें कि बॉइलिंग कब होगा वाटर के अंदर, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो वो भी कौन से, उसका सेल्सियस क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, कौन? वाटर। ये 100 डिग्री सेल्सियस किसका है? वाटर का। ठीक है, समझ में आ रही बात? या फिर एक और चीज बताया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन। इसको भी हमेशा याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, कितना केल्विन? तो 273.16 केल्विन ये क्वेश्चन दे देता है। बोल देगा आपको कि 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तब क्या करेंगे भाई? सिंपल, इसको जोड़ देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा इतना डिग्री है, इतना केल्विन है, तो क्या करेंगे? 35 प्लस इतना निकल जाएगा आपका, केल्विन में बदलना होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है केमिस्ट्री के अंदर, ये क्वेश्चन अक्सर देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का कितना महत्व होता है? 273.16 केल्विन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी, और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद जो है उसके बाद हम लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर प्रेशर समझेंगे, और साथ में लैटेंट हीट समझेंगे। ये दोनों पॉइंट इसके बाद वाले क्लास में समझेंगे। आज के क्लास में ये डिफरेंसेस ज़रूरी थे, इसलिए आज की क्लास में मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।